बात उस गुड न्यूज की जो सीधे बाबा केदार के धाम से आई है, जहां श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मंदिर परिसर से शुरू हुई कतार कुछ घंटों में दूर तक पहुंच जाती है। आपको बता दें कि ये सभी भक्त बाबा के दर्शन और अभिषेक की आस लिए उनके धाम पहुंचते हैं। ऐसे में अब सभी भक्तों को बाबा का आशीर्वाद मिल सकेगा, क्योंकि शिव भक्त मंदिर के गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ महादेव का वो अद्भुत धाम जिसकी दुनिया करती है गुणगान, वो केदारनाथ धाम जहां हर मुराद होती है पूरी, जिस केदारनाथ धाम के दर्शन का सपना भोलेनाथ के हर भक्त का होता है, वो सपना अब साकार होने वाला है। दर्शनों के लिए आ रहे देश विदेश के तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब जो भी तीर्थयात्री केदार धाम पहुंच रहे हैं, वह अब बाबा केदार के गर्भगृह के दर्शन कर रहे हैं। जब से कपाट खुले थे तब से लेकर आज तक गर्भगृह के दर्शन बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने भक्तों को बाबा केदार के मंदिर के गर्भगृह में दर्शन और पूजन की अनुमति दे दी है। यानी अब बाबा का हर भक्त उनके अलौकिक और अद्भुत दर्शन कर सकेगा। सभी तीर्थ पुरोहितों ने मिलकर के कल एक बहुत बड़ा विरोध किया, एक स्वर में सभी ने विरोध किया कि वीआईपी बंद होना चाहिए। आज वो वीआईपी बंद है और पूर्व परंपरा अनुसार जो भगवान बाबा केदारनाथ जी के दर्शन गर्भगृह में सभी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु करते थे, वो आज पुनः प्रारंभ हो गया है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर के गर्भगृह में दर्शन बंद कर दिए गए थे, लेकिन तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद मंदिर के गर्भगृह के दर्शन फिर से खोल दिए गए हैं। अब धाम पहुंचने वाले सभी भक्त बाबा केदारनाथ के गर्भगृह के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि केदारनाथ धाम में अभी भी वीआईपी दर्शन बंद है। केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ रिकॉर्ड तादाद में उमड़ रही है। प्रत्येक दिन दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। दो दिन में 60,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर दिए हैं और अभी तक 3,20,000 से पार अधिक तीर्थयात्री केदार धाम पहुँच चुके हैं। सिर्फ केदारनाथ धाम ही नहीं बल्कि इस साल चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की भीड़ नए रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। महज 10 दिनों के भीतर ही करीब 7,00,000 से ज्यादा तीर्थयात्री चार धाम दर्शन कर चुके हैं और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। प्रवीण सेमवाल, केदारनाथ, गुड न्यूज़ टुडे।